जहाँ से सफ़र शुरू किया था जी, वहीं पे मैं दोबारा आ चुका हूँ और अब मैं वापसी घर की तरफ जा रहा हूँ जी। यानी कि अभी ड्राइवर अड्डे की तरफ जाऊँगा, वहाँ से गाड़ी मिलेगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर सीधा पिंडी और फिर पिंडी से आगे घर। अब देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। हाँ तो गया हूँ मैं ड्राइवर पे वापस। अब देखो यहाँ पे गाड़ी मिलती है या नहीं, मेरी लक यहाँ पे बड़ी डिपेंड करती है। चलें जी देखते हैं। इधर से गाड़ी निकल गई, अब दूसरे टर्मिनल पे जाऊँगा, वहाँ से गाड़ी देखूँगा। अब यहाँ से मेरी गलती की वजह से नहीं निकली गाड़ी, एक बंदे की गलती की वजह से निकली है, उसकी कहानी आपको आगे सुनाऊँगा। अभी दूसरे टर्मिनल पर जाके गाड़ी चेक करते हैं। इधर से दो गाड़ियाँ जाती हैं, एक बरास्त मियाँ वाली जाती है और एक जाती है यार्क, ये यार्क वाली इंटरचेंज से जाती है। वो जो जाती है गाड़ी यार्क इंटरचेंज है, वो डायरेक्ट आपको मोटरवे के थ्रू लेके जाएगी, लेकिन मियाँ वाली साइड आपको तंग करेगी। गाड़ी निकल तो रही है, अब इससे जाकर मैं पूछता हूँ फिर। ये आपके सामने गाड़ी आ रही है, पूछता हूँ मैं इससे। नहीं जी, इतने मियाँ वाली वाली साइड से जाना था, इस पर नहीं गया, अब 1 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। और वापस थोड़ा सा बाज़ार की तरफ जाएंगे जी, फिर उसके बाद दोबारा से 1 बजे वाली गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। दो बीप लगाएं जी, पता करते हैं दोनों में से जो अच्छा हुआ खाते हैं फिर। ये देखें जी, मैंने बनवाया अपने लिए, ये 120 रुपए की मिली है जी प्लेट, 100 मिला है। अब खा के चेक करेंगे, और रायता सलाद लें तो उसके साथ अलग में पैसे। पाकिस्तान है जी, यहाँ पे आपने जो से भी चीज़ आप लेनी है ना, चाहे रायता है चाहे सलाद है, अलग से पे करने हैं। अब वो ज़माने चले गए कि जब आपको चीज़ें साथ में दे देते थे खाने के लिए, अब वो वाला दौर नहीं रहा। इसने दिए 120 रुपये को, इसकी खुशबू अच्छी थी। अगर मैं चावलों का बहुत ज़्यादा मुझे शौकीन हो गई चावल खाने का, तो कलर देख के पता चल जाता है ये लग ही प्यारे नहीं खुश आ गया। बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा टेस्टी है जी। एक मिर्च भी दी है, इसके साथ ही इंजॉय करते हैं जी। तो मैं आप कहूँगा जी, आप लोग थोड़ा देर करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला चलते हैं वापस, मिलते हैं फिर थोड़ी देर तक। अभी थोड़ा सा खा लूँगा, क्योंकि खाएंगे नहीं तो फिर चलने नहीं होगा। लेकिन ये कि यार, अब हर चीज़ के ना रेट बहुत करती है, यानी गरीब बंदा अगर निकले ना, वो इजीली नहीं खा पी सकता या ट्रैवल कर सकता, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे इस सब के लिए। मैं खाता हूँ, आप थोड़ी देर वेट करें, मिलते हैं फिर। ये अपने पंजाब में जगह जगह पे नहीं लगे तो बनू बीफ फ्लो, बनू बीफ फ्लो, ये वही बनू बीफ फ्लो है। उधर तो पता नहीं कैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिलता ठीक है, टेस्ट अच्छा है, जायका ठीक है, लेकिन रायता सलाद नहीं है, इसके अलग से चार्जेस है। पानी वाला बर्तन बड़ा प्यारा है जी, छोटा सा जा। टाइम तो पास करना है, एक तक एक होगा तो गाड़ी जाएगी, उससे पहले तो जाएगी नहीं, एक तक तो करना पड़ेगा। खा ली थी मैंने, शार्ट टाइम में बड़ा तो खाना वो है भी ठीक। अगर इस एरिया में है तो ये वाली डिश ज़रूर टेस्ट करें, जिससे कि बड़ी मशहूर डिश है। हमारे एरिया में भी जगह जगह पर इसके स्टॉल लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मशहूर है, तो यहाँ भी आके ज़रूर खानी चाहिए। इधर उधर थोड़ा सा ढूंढ लेना चाहिए, सर्च कर लेनी चाहिए, जो आपको अच्छी लगे वो खानी चाहिए। अब आगे चलते हैं दोबारा, तो साथ उनके
ऑर्डर लेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी की तरफ चलेंगे। टाइम भी देख लेंगे, 12 घंटे पूरे 55 मिनट बाकी हैं, बस गुजारने हैं। फिर टिकट की थी परचेज, अब परचेज तो कर लिए, अब बैठना पड़ेगा 1 बजे तक, क्योंकि गाड़ी ने जाना है 1 बजे और चुप करके यहाँ पे करना पड़ेगा वेट। तो गाड़ी चलती है तो फिर उधर मिलते हैं।